अब अगर तुम फिलहाल अपने गेम में जाके ईवो वॉल्ट इवेंट को चेक करोगे, तुम्हें ये चार गन स्किन देखने को मिल जाएगा। हाँ, जहाँ पर तुम्हें कोबरा MB40 भी देखने को मिले हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल दो आ रहे हैं कि सनी भाई, क्या हमें नेक्स्ट ईवो वॉल्ट के अंदर भी कोबरा MB40 देखने को मिलेगा या फिर कोबरा MB40 को रिमूव कर दिया जाएगा? और बाकी दो गन स्किन कौन कौन से आने वाले है? ड्रैको AK देखने को मिलेगा, ओल्ड वाला M10 देखने को मिलेगा या फिर M10 2.0? ईवो इसका 2.0 कब आने वाले है? नेक्स्ट ईवो वॉल्ट के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारा कुछ आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट ईवो वॉल्ट लेकर पूरा क्लियर आपको पता चलेगा विद कंफर्म डेट। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आने वाले अपने गेम के अंदर कुछ और भी इवेंट्स के बारे में, जिनमें सबसे बेहतर इवेंट्स रहेगा क्रिमिनल बंडल रिटर्न। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं अपने पेंडिंग एनिमेशन के बारे में या फिर कह लो एनिमेशन रॉयल के बारे में। दो न्यू बहुत ही जबरदस्त बंडल आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, उसके बारे में आज आपको अपडेट दिया जाएगा। वैसे देखो यार, कुछ खास बात आज हम करने वाले इस वीडियो के अंदर, मतलब कुछ ऐसे बातें आपको बताऊंगा जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो मैं जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूं, आप लोग बस देखते रहो। हां, मैं जानता हूं कि सबसे पहले तुमको क्रिमिनल बंडल कवर अपडेट चाहिए और इसलिए मैं सबसे पहले इसको कवर करूंगा, क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना है। अब देखो यार, क्रिमिनल बंडल क्यों बैक आ रहा है, इसके बारे में लीक्स क्या मिला है, जरा ये समझो पहले आप। सबसे पहली बात, क्रिमिनल बंडल के बारे में एक नहीं बल्कि दो लीक्स मिला हुआ है। सबसे पहला है अपना एक इंस्टाग्राम रील, मतलब जो कि गर्ना ब्रो ने ऑफिशियली अपलोड किया था उनके इंस्टाग्राम पेज पर, एक सारे क्रिमिनल बंडल को लेकर डांस करता हुआ एक रील हमको देखने को मिला हुआ था कुछ टाइम पहले। और मैंने तब इस बात को आपको बताया था कि देखो यार, इस रील के जरिए गर्ना सर कुछ हिंट्स दे सकते हैं कि हम दिवाली पे क्रिमिनल बंडल को बैक देंगे। तो आगे जाकर अगर कुछ पता चलेगा फिर आपको बता दिया जाएगा, ये आपको मैंने कुछ टाइम पहले कहा था। अब आगे जाकर जो पता चलेगा, मैं कहा था ना, अब वो टाइम आ गया है, पता चल गया है ऑलरेडी। मैं तुम्हें यहाँ पर एक लक रॉयल इवेंट दिखा दे रहा हूँ, इसके अंदर तुम्हें देखना है तीन चीज और वो है तीन टोकन, मतलब पर्पल क्रिमिनल स्पेशल टोकन, रेड क्रिमिनल स्पेशल टोकन और ग्रीन क्रिमिनल स्पेशल टोकन। दरअसल यहाँ पर तीन क्रिमिनल बंडल के लिए तीन अलग अलग टोकन को गेम के फाइल के अंदर न्यूली एड किया गया है। इस बार इस टोकन को बनाकर गेम के फाइल के अंदर ऐड कर दिया गया है। सही सुन रहे हो, ऐड हो गया है गेम के फाइल के अंदर। अब ये जो तीन टोकन डिजाइन किया गया है, असल में तीनों बंडल के लिए अलग अलग ये टोकन है। रेड क्रिमिनल के लिए अलग टोकन मिलेगा, पर्पल के लिए अलग टोकन मिलेगा और ग्रीन क्रिमिनल बंडल के लिए आपको अलग टोकन देखने को मिलेगा। स्पेशल लक रॉयल के अंदर इसको दे दिया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है, टोकन को ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, टोकन आपको एक एक करके ही मिलेगा। और स्पेशल लक रॉयल के अंदर से आपको स्पिन वगैरह मार के क्रिमिनल बंडल को बाय करना होगा। यहाँ पर तुमको तीन क्रिमिनल बंडल ही बैक देखने को मिलेंगे। कब बैक आ रहा है जरा इसके बारे में जानते हैं। आप लोग ये कमेंट करते हो कि सनी भाई तुम अपडेट कवर करते हो लेकिन डेट नहीं बताते हो, तो आज जरा सुन लेना अच्छे से ताकि बाद में ये कमेंट ना आए मेरे को देखने पर। देखो बात कुछ ऐसा है, FFWS का जो इवेंट है वो आपको देखने को मिलेगा सच से नवंबर मंथ पे, ठीक है? नवंबर मंथ की वही 8-9 तारीख तक FFWS का इवेंट देखने को मिल जाएगा। पिछले साल हमको अपने FFWS स्पेशल क्रिमिनल बंडल गेम के अंदर बैक दिया गया थे, पिछले साल वही सच से नवंबर मंथ पे ही। तो भाई इस बार भी आपको FFWS का जो इवेंट है वो नवंबर मंथ पे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड एक मेरा अनुसार, मतलब मेरे ओपिनियन के अनुसार, ये क्रिमिनल बंडल आपको अपने गेम के अंदर 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। स्पेशल लक रॉयल का रिव्यू मेरे पास आ गया है, मैं उसी का रिव्यू आपको कराया हूं और मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूं कि ये नवंबर मंथ पे 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो अब देखते करना इसको डेट को क्या कुछ करते हैं, मतलब मिलेगा तो नवंबर मंथ पे, अगर 20 तारीख को ना मिले तो 22-23 तारीख तक आपको मिल जाएगा। डेट एक दो दिन बस आगे पीछे हो सकते हैं, बट FFWS स्पेशल क्रिमिनल बंडल को गेम के अंदर बैक दिए जाएंगे। तो उम्मीद है जिनको भाई लोगों क्रिमिनल बंडल के बारे में अपडेट चाहिए था उनको मिल गया है। अभी भाई साहब तुम खुद सोच लो तुमको कौन सा वाला क्रिमिनल बंडल यहाँ पर से बाय करना है, रेड वाला, ग्रीन वाला या फिर पर्पल वाला, जो भी तुम्हें बाय करना है इसके अंदर सब लोग इजीली बाय कर पाओगे। देखो यार, इवेंट चेंज भी हो सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं करना वाले इवेंट को चेंज करेंगे, आपको अपने स्पेशल लक रॉयल के अंदर ही इनको दे दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं और अपकमिंग दो न्यू बंडल के बारे में। अब वैसे देखो ये दोनों बंडल काफी जबरदस्त डिजाइन किया गया है और दोनों बंडल को एक साथ में अपने रिंग इवेंट के अंदर दे दिया जाएगा। ओवरऑल दोनों बंडल के अंदर तुम्हें बढ़िया इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा। पहले मैं तुम्हें पर बंडल का ट्रेलर वगैरह दिखा दे रहा हूं, बंडल को थोड़ा हाईलाइट किया जा रहा है ट्रेलर के अनुसार कि यार बंडल एक्चुअल में इन गेम के अंदर देखने में कैसे होंगे, बंडल को पहनकर गेम प्ले करते टाइम कैसे क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाले। इन बंडल के साथ और भी कुछ आइटम्स को डिजाइन किया गया है, जैसे कि आपको गन स्किन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर से कटाना का स्किन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब कुछ तुमको इस बंडल के थीम पे यहाँ पर देखने को मिलने वाले। बाकी मैं सारा कुछ यहाँ पर आपको रिव्यू के अनुसार दिखा दे रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिंग इवेंट भी इस बंडल का दिखाऊंगा। पहले आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया हो बंडल को इन गेम पर पहन, मतलब पहनने के बाद देखने में कैसे कुछ लगने वाले है। मेडिकेट मारते टाइम तुमको बंडल के अंदर अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर रेड वाला बंडल बढ़िया लगा है, बस सर के अंदर तुम्हें अलग वाला टोपी वगैरह देखने को मिल जाएगा। रेड वाला भी बढ़िया है, ब्लू वाला भी बढ़िया है, मतलब इफेक्ट की तरफ से दोनों ही तुमको बढ़िया मिल जाएगा। किसी किसी प्लेयर को यहाँ पर ब्लू वाला भी बढ़िया रहेगा, मुझे ब्लू वाला खराब नहीं लग रहा है, ये भी बढ़िया है। लेकिन देखो यार, मुझे बस एक चीज से दिक्कत है कि यार ये उस हिसाब से करने वाले बंडल तैयार नहीं कर रहे फिलहाल जैसा हमें चाहिए होता है। मतलब बंडल के अंदर एक ऑफिशियल हमें लुक देखने को मिलते हैं, बढ़िया हेयर स्टाइल होता है, बढ़िया बाल एकदम चोटी जैसा कुछ बांध के रखता है, आंख पे बढ़िया चश्मा हो या फिर मुंह पे बढ़िया से एकदम स्कार्फ वगैरह मिले तो ना मजा आता है ना बंडल के अंदर। लेकिन अभी के टाइम पे बंडल ऐसा है कि चेहरा ही
समझ में नहीं आ रहा है बंडल में। कुछ टाइम पहले आपको सुपर हीरो का इवेंट देखने को मिला हुआ था, सुपर हीरो पिक्सल इवेंट देखने को मिला हुआ था, वहां पर तुम्हें तीन बंडल देखने को मिला, तीनों में किसी का चेहरा नहीं था। अब इस बार दो बंडल दिया जा रहा है, इसके अंदर तुम्हें चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई कुल मिला जो बात है ना, बंडल के अंदर हमें वो खास चीजें नहीं मिल रहा है जिसकी हमें जरूरत होता है। हमें बढ़िया हेयर स्टाइल जरूरत होता है, मतलब बढ़िया सा हेयर स्टाइल हो, बढ़िया सा बाल वाल एकदम सेट करके रखा हुआ हो, ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई जो भी हो, ये दोनों बंडल्स आगे जाकर आपको अपने रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर रिव्यू वगैरह करा दिया हूँ इनके आइटम्स के साथ, क्या कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारे आइटम्स आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए हो, बाकी बंडल वगैरह आप लोग देख लिए हो, बताना इन बंडल्स को कौन कौन बाई करने वाले हो, करना इन बंडल्स को अपने गेम के अंदर आने वाले टाइम पे अवेलेबल करा देगा। सो अगर किसी को ये बंडल्स बाई करना आप लोग चाहो तो बाई कर सकते हो, मैं वैसे इसके अंदर स्पिन वगैरह नहीं करूंगा। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मैं इन बंडल के लिए स्पिन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा खुद का जो है बात आपको कह दिया हूँ। अब हम आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं कुछ पेंडिंग एनिमेशन के बारे में। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रिव्यू अपने कुछ एनिमेशन का, आपको यहाँ पर तीन से चार एनिमेशन देखने को मिलने वाले। जैसे कि सबसे पहले अपना जो बुलेट मास्टर एनिमेशन है, ये तो पेंडिंग एनिमेशन है, इसको अपने गेम के अंदर दिया नहीं जा रहा है। दूसरा आपको रेड कार्पेट का एनिमेशन देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल नया तैयार किया गया था अपने गेम के अंदर देने के लिए, बट इसको भी अब तक नहीं दिया जा रहा है। तीसरा आपको दिवाली स्पेशल न्यू एनिमेशन देखने को मिलेंगे, इसको भी ऑलरेडी अपने गेम के फाइल के अंदर एड कर दिया गया है। तो भाई इसलिए यहाँ पर जो दिवाली स्पेशल आपको एनिमेशन देखने को मिलते हैं, या तो आपको दिवाली पर ही देखने को मिलेगा, मतलब वही नवंबर मंथ या फिर अक्टूबर मंथ के बिल्कुल आखिर तक आपको दिवाली स्पेशल एनिमेशन और रॉकेट के ऊपर बैठा हुआ जो एनिमेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बात यहाँ पर रहता है दो एनिमेशन का, रेड कार्पेट वाला और बुलेट मास्टर वाला। एक चीज तो मुझे बिल्कुल क्लियर पता है कि बुलेट मास्टर एनिमेशन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये पेंडिंग एनिमेशन के रूप में पड़ा हुआ था, वैसे आगे भी ये पेंडिंग एनिमेशन में पड़ा रह जाएगा। तो बुलेट मास्टर एनिमेशन आपको इस टाइम पे अपने गेम के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले है। अब बचता है बिल्कुल आखिर में अपना रेड कार्पेट एनिमेशन, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ आपको देखो, और मेरे अनुसार रेड कार्पेट एनिमेशन को अभी दिया ही नहीं जाएगा, और इसलिए बिकॉज अभी दो एनिमेशन बाकी है आने के लिए। नंबर वन है अपना स्काई ड्राइव, और उसके साथ में डिजाइन किया गया मिस्टिक ऑरा बंडल, यानी कि कह सकते हो न्यू गोल्डन सेट बंडल के थीम पे जो नया वाला एनिमेशन डिजाइन किया गया है, वो वाला एनिमेशन पहले आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तुमको अपना दिवाली का एनिमेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको रेड कार्पेट का एनिमेशन देखने को मिलेगा। सो भाई रेड कार्पेट एनिमेशन आने से पहले तुमको दो एनिमेशन मिलेगा, एक अपना स्काई ड्राइव के साथ वो चील को साथ में लेकर जो नीचे उतरता है वैसा कुछ एनिमेशन, मैं कई बार उसको दिखा चुका हूँ आप सभी को पता है, तो वो वाला मिलेगा। फिर उसके बाद तुमको अपना जो है कह सकते हो दिवाली स्पेशल एनिमेशन मिलेगा, देन बाकी के एनिमेशन गेम के अंदर बैक आने वाले, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स था एनिमेशन को लेकर जो कि हमने बता दिया है। अब हम इसके साथ गए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट के बारे में, कौन कौन से गन स्किन हमें नेक्स्ट में ईवो वॉल्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और हमें क्या कोबरा MP40 देखने को मिलेगा। अगर कोबरा MP40 रहेगा उसके साथ में और कौन सा गन स्किन हमें देखने को मिलने वाले, कुल मिलाकर चार गन स्किन ईवो वॉल्ट के अंदर रहेगा, वो चार गन स्किन कौन कौन से होंगे। तो आओ सबसे पहले मैं तुम्हारा सवाल का जवाब देता हूँ कि कोबरा MP40 रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आंसर है जी हाँ, गुड न्यूज आपके लिए कि आपको नेक्स्ट ईवो वॉल्ट के अंदर भी कोबरा MP40 देखने को मिलेगा, मतलब ये आगे भी अपने ईवो वॉल्ट के अंदर रह जाएगा। अब और एक गुड न्यूज इसके साथ में बोनस में, जिन्होंने कोबरा MP40 लेने के लिए इस बार स्पिन किए थे उनको कोबरा MP40 नहीं मिला है, डायमंड ज्यादा खर्च हो गया है। आपके लिए गुड न्यूज ये है, अगर तुम अगले बार स्पिन करोगे, मतलब दो तीन तारीख के बाद अगर तुम अपने ईवो वॉल्ट के अंदर स्पिन करोगे तो आपको कोबरा MP40 काफी कम डायमंड में मिल जाएगा। तो ये पहला गुड न्यूज, सॉरी दूसरा गुड न्यूज था आपके लिए, तो दोनों आपको मैंने बता दिया है। कोबरा MP40 आगे भी रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायमंड कम खर्च होने वाले हैं कोबरा MP40 को बाई करने के लिए। अब तीसरा सवाल, कौन कौन से गन स्किन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं तुम्हें दो गन स्किन दिखा दे रहा हूँ, इस बार दो गन स्किन तुम्हें देखने को मिलेगा, रिफ्रेश किया जाएगा दरअसल कोबरा MP40 के साथ जिसको आएगा। चारों में आपको देखने को मिलने वाले इवोल्यूशन AK, यानी कि जिसका चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको ड्रैको AK देखने को मिलेगा। ड्रैको AK के जगह पर इवोल्यूशन M4A1 भी आ सकते हैं, साथ में तुमको इवोल्यूशन थॉमसन, कोबरा MP40 एंड अपना इवोल्यूशन उडपिकर, ये चारों गन स्किन तुमको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा मैंने बताया, वो उडपिकर, कोबरा MP40, ड्रैको AK, इवो थॉमसन। ड्रैको AK के जगह पर इवोल्यूशन M4A1 को भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने चारों गन स्किन का नेम यहाँ पर बता दिया है, और एक बार सुन लो, ड्रैको AK के जगह पर M4A1 भी हो सकते हैं, ड्रैको AK भी हो सकता है, एंड कोबरा MP40, इवोल्यूशन थॉमसन और साथ में अपना इवो उडबिकर, ये चारों गन स्किन पॉसिबल चांस है कि आपको नेक्स्ट में इवो वॉल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कल परसों तक बैनर निकल कर आ जाएगा, बैनर के अंदर हमें कंफर्म गन स्किन भी दिख जाएगा, शायद से कल ही बैनर निकल कर आ जाएगा, आपको हम वो भी दिखा देंगे। तो खैर इसके साथ गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। एंड हां, 2 से 3 तारीख के बीच में आपको ये इवो वॉल्ट इवेंट गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, जाके एक बार गेम में चेकआउट कर लीजिएगा, और कितना दिन के लिए इवो वॉल्ट इवेंट ठीक उतने दिन बाद तुमको ईवो वॉल्ट इवेंट अपने गेम में मिल जाएगा। अब कुछ कमेंट्स के रिप्लाई देते हैं, तो बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, न्यू फ्री इवेंट, मतलब फ्री में क्या कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ इवेंट का नेम नया में कौन सा आने वाला है इसके बारे में हमको जानना है। तो नंबर 1 दिवाली इवेंट, नंबर 2 बुइया डे का इवेंट, नंबर 3 FFWS इवेंट, नंबर 4 अपना ब्लू लॉक कोलैबोरेशन इवेंट, नंबर 5 नारुतो कोलैबोरेशन इवेंट, नंबर 6 न्यू ईयर इवेंट, और नंबर 7 विंटर इवेंट, नंबर 8 क्रिसमस इवेंट,
और मैं क्या बताऊं, काफ़ी सारे इवेंट्स आएंगे तुमको फ्री में जो कि अपने गेम के अंदर रिवॉर्ड्स देने के लिए दिया जाएगा अपने गेम में। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। तो अगले भाई ने कमेंट किया कि सनी भाई बताओ दिवाली उइस कंफर्म हो गया है या फिर नहीं। देखो फिलहाल कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन दिवाली लुमिनस कार्निवल और उइस इन दोनों में तुमको एक इवेंट मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है और कन्फर्म है। अब आगे जाकर देखते हैं क्या कुछ इवेंट्स के बारे में कन्फर्मेशन मिलता है उइस के बारे में या फिर लुमिनस कार्निवल के बारे में। अब नेक्स्ट कमेंट पेश किया जाए। एक भाई ने अब ये कमेंट किया कि सनी भाई ये बताओ रेड कार्पेट एनिमेशन कब तक आएगा। तो ऑलरेडी हमने रेड कार्पेट एनिमेशन के साथ और भी कुछ एनिमेशन को इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है, तो उम्मीद है आपको पता चली गया है इसके बारे में, काफी सारे अपडेट हमने आज ऑलरेडी दे दिया है। अब इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। तो यहां पर एक कमेंट मेरे पास कुछ ऐसा आया था कि भाई फिस्ट स्कैन का डेट 28 सितंबर था, तुमने गलत अपडेट क्यों दिया। उसके नीचे मेरे एक भाई ने कमेंट किया है, मतलब कोई भाई था जो मुझे पसंद करते, उन्होंने कमेंट कर दिया कि ये गैराना की गलती है, तो इसमें तुम सनी भाई के ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो। किसी भाई ने उनको रिप्लाई किया था, मतलब जिस बंदे ने कमेंट किया था उसको रिप्लाई किया था कि इसमें सनी भाई की गलती नहीं है, गलती गैराना का है। तो सबसे पहली बात भाई आपको दिल से थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरी बातों को समझने के लिए और रिप्ले करने के लिए। अब आते हैं उस भाई पे जिसने ये कमेंट किया था कि 28 को गवर्नर ने डेट चेंज किया है ये सब वगैरह वगैरह। तो देखो यार ऐसा है, फ्री फायर इंडिया का नाम सुने हो, इसके बारे में गवर्नर ने बताया था कि 5 सितंबर को देंगे, क्या नहीं देखे हो उस टाइम पे फ्री फायर इंडिया के बारे में अपडेट। गवर्नर वालों ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था कि 5 सितंबर को फ्री फायर इंडिया आ रहा है, एक साल बीत गया है फ्री फायर इंडिया अब तक आया नहीं है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर गवर्नर वालों ने वीडियो अपलोड किया था कि फ्री फायर इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब अभी तक आया नहीं है। और सिर्फ एक बार सिर्फ फ्री फायर इंडिया क्या, और भी ऐसे बहुत से इवेंट्स थे। मैं तुम्हें कितना इवेंट के बारे में बताऊं, इमोट पार्टी इवेंट था, वेपन रॉयल को कितना बार चेंज कर दिया गया है एंड टाइम पे आकर, गोल्ड रॉयल को कितना बार चेंज कर दिया गया है एंड टाइम पे आकर, जॉम्बी समरे बंडल का डेट चेंज कर देना, मेल्टिंग वर्ल्ड इवेंट को देना बिना कुछ हमारे बोल के, मतलब हमारे बेहतरीन आइटम्स को काट लेना जिसको फिर वापस में रिफंड ना देना, ये फिर ये सब क्या था, गरना की गलती थी ना ये सब। तो इसके पहले भी ऐसा हो चुका है भाई, और ये तो एक फर्स्ट इसका का मामूली इवेंट था, क्या इसका डेट एक बार पीछे नहीं हो सकता, तुम ये मेरी गलती बता रहे हो। अब अगर गरना डेट खुद से चेंज करेगा तो भाई हम क्या करेंगे उसमें। तो मेरे भाई बात को समझो, ये कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गरना एंड टाइप पे चेंज करते हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं होता है भाई साहब। इसलिए कमेंट करने से पहले जरा सोचा करो यार, तुम किस चीज को ऊपर कमेंट कर रहे हो, और जब तुम्हारे आईडी में कुछ प्रॉब्लम होता है, जब किसी चीज के लिए आवाज उठना होता है, तुम अदर यूट्यूबर्स को बोलते हो, क्या तुम्हारा कमेंट वो पिक करता है, क्या तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई वो लोग देते हैं। और यहां तक कि कमेंट का रिप्लाई देना तो भाई दूर की बात है, तुम्हारा कमेंट देखता नहीं। और हां, 2 साल पहले ये मैंने ही शुरू किया था कमेंट्स पिक करना, और इसलिए ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम तक पहुंच सके। एंड मुझे पता था इस चीज को देखकर काफी सारे यूट्यूबर्स इस चीज को करेंगे, और मुझे ये बढ़िया भी लग रहा था कि यार इसके जरिए कम से कम आपका प्रॉब्लम यूट्यूबर तक पहुंचेगा। लेकिन उन्होंने तो इसको अलग लेवल का कर दिया है, मतलब जो तुम्हारा प्रॉब्लम वाला कमेंट है उनको लोग पिक ही नहीं करते, और तुम हाँ हमें कहते हो कि सनी भाई तुम गलत है, फेक अपडेट देते हो। फेक किस लिए हो गया अपडेट, क्योंकि 27 को आने के जगह पर 28 को आ गया है। और एक बात तुम्हें अच्छे से पता है, जो मेरे सेकंड चैनल को देखते उन्हें पता होगा कि मैं 4 महीने से वीडियो बना रहा हूं विदाउट पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा उस चीज का मुझे, क्योंकि मेरा जो एडसेंस है वो ऑलरेडी किसी दोस्त ने लॉग इन कर लिया था अपने में, उसमें मेरी गलती थी, मैं दोस्त के ऊपर भरोसा कर लेते, इसलिए तो एडसेंस उसके पास चला गया था, सारा पेमेंट एडसेंस में उसको मिल गया था, मुझे नहीं मिला। तो मैं चाहता था वीडियो बनाना बंद कर देता, क्योंकि यार मुझे पैसे के लिए मैं काम कर रहा हूँ फिर ये सब वो वगैरह वगैरह, तो ऐसी बात नहीं है भाई। यहाँ तक कि ये जो पूरा सितंबर मंथ गया है ना, ये पेमेंट भी उसी के एडसेंस में जाएगा, फिर बाद में मैंने अपना एडसेंस चेंज किया है, मतलब अक्टूबर महीने का पेमेंट मेरे पास आएगा। तो जो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर गया है ना, ये चारों पेमेंट उसी के पास आया है, मेरे पास एक पेमेंट आया नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो एक दिन भी रोका, पूरा बनाया, क्योंकि मुझे मजा आता है इस चीज से। तुम सभी का कमेंट देखता हूँ, बातचीत होता है यार, मतलब तुम अपने लाइफ के बारे में कुछ बताओ कि सनी भाई बताओ जीएफ कैसे बनाते हैं, बताओ तुम सिंगल क्यों हो, तो ये जो मजा आता है ना, ये सब मुझे मजा लगता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब दो कमेंट करके सनी भाई को डीमोटिवेट कर देंगे, तो चाचा गलत राह पे चल रहे हो तुम, क्योंकि ऐसा है कि मेरी ये दो कमेंट से कुछ ना होने वाला, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट बाकी के आते हैं ना, सनी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ सपोर्ट करते हैं हम तुमको, ये जो कमेंट थे ये मेरे मोटिवेशन के लिए काफी है। तुम्हारा दो कमेंट देखकर कि अपडेट फेंके ये सब देखकर अपन रुकना नहीं वाला है, पहले पेमेंट मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपन रुकेगा नहीं, वीडियो बनाता रहेगा, वीडियो आता रहेगा, ये सब मजे हम करते रहेंगे। तुम अपना कमेंट करते रहो, फेक फूक जो भी ये करते रहो, लेकिन हम वीडियो बनाते रहेंगे, और अपडेट जब सही होगा तब तुम्हें देखकर खुद ही पता चल जाएगा कि सनी भाई ने गलत बोला था कि सही बोला था। खैर और कुछ बताने नहीं गाइस, तो बाकी तुम लोग समझदार हो, मेरे जितने भाई लोग हैं सब्सक्राइबर है, तो बाकी सभी को पता ही है कि हालात क्या चल रहा है। इसलिए यार समाप्त करते वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय।